पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे, इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए नालंदा जिला के बिहार शरीफ से भाई व बहन साइकिल पर 14 जुलाई को निकले हैं। 41 दिनों की इस यात्रा में दोनों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु तक का सफर तय करेंगे। 14 जुलाई को सफर पर निकले भाई व बहन 15 जुलाई को गया व बोधिया पहुंचे। उत्पल कांत व अर्पणा साइकिल का सफर गया के विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु से प्रार्थना कर व बोधगया में भगवान बुद्ध को मंदिर के बाहर से ही नमन कर शुरू किया। क्या नाम हो गया आपका? सर मेरा नाम उत्पल कांत भाई हुआ। थोड़ा थोड़ा जोर से बोलिएगा। उत्पल कांत भाई। उत्पल कांत भाई, और साथ में कौन है? मेरी बहन है, बड़ी बहन अर्पणा सिन्हा। अच्छा, हम लोग नालंदा जिले बिहार से आए हैं। मतलब बिहार से साउथ इंडिया, मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। अच्छा, ये कितने दिन की आप लोग यात्रा, साइकिल यात्रा है? इससे 40 दिन का। इस दरमियान आप कहाँ कहाँ जाएंगे? इस दरमियान हम तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और लास्ट में केरल जाएंगे। क्या मकसद है आपका? मकसद यही है ना, मतलब राइट फॉर ग्रीन इंडिया, मतलब ना साइकिल जितना हो सके साइकिल का आप उपयोग करें और भारत को और देश को मतलब प्रदूषण मुक्त बने। आप कब निकले हैं घर से? कल सुबह हम लोग मतलब 14 जुलाई को 9 बजे बिहार से निकले हैं। अच्छा, उन्हें अभी पहला पड़ाव आपका कहाँ? कल हम स्टे किए थे गया में, और गया से हम लोग इधर आए हैं। अब इधर आए हैं, इसके बाद आपका उसके बाद कहाँ स्टे होगा? मतलब आगे लोकेशन पे, आगे लोकेशन हम लोग के पास है या पुलिस स्टेशन के पास हम लोग स्टे कर रहे हैं। अच्छा, पुलिस स्टेशन के बाद इसके पास मिला हुआ है। अच्छा अच्छा, मैंने आपको निर्धारित है कि कहाँ कहाँ रुकना है 40 दिन के दरमियान। आप कहाँ से ये साइकिल निकाली है? बिहार से, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, कहाँ आप जाना चाह रहे हैं? हम लोगों का एंड पॉइंट केरल है। हाँ? हम लोग बिहार से स्टार्ट किए, फिर फर्स्ट डे हम लोग स्टे किए गया में, अब गया से निकलना है, झारखंड मुझे पहुँचना है, फिर झारखंड से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल। अच्छा, ये कितने दिन का आप लोग साइकिल? 1 से 1.5 मंथ। अच्छा, तो उसके बाद क्या फिर वापसी किधर से होगी आप लोग? जैसे जा रहे थे वही रूट से। वही रूट से। आप इस दरमियान आपका क्या मकसद रहेगा, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों का यही संदेश है कि साइकिल से ज़्यादा साइकिल यूज करें, पोल्यूशन कम होगी और बॉडी फिट रहेगी, एक्सरसाइज होती रहेगी।